वेलकम टू कुकिंग सुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा और टेस्टी अचार यानी कि गोंदे का अचार बनाना बताऊंगी। गोंदे को लसोड़े भी कहा जाता है। ये अचार जो है हमारा साल भर तक खराब नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैंने कुछ टिप्स भी दिए हैं, तो बिना स्किप किए मेरा वीडियो पूरा देखें। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। गोंदे का अचार बनाने के लिए आधा किलो हमने गोंदे लिए हैं। इस तरह के गोंदे आते हैं मार्केट में, तो इसको अब हमें कट करना है। यहाँ से तो नाइफ या कैंची की मदद से हम इसको ऐसे हटा देते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसका जो ये वाला पार्ट है ये नहीं हटाना है। ये देखिए बड़ी आसानी से हट जाता है। इस तरह हमें सभी को हटाना है। और आधा किलो ही हमने केरी ली है, तो केरी को भी हमने अच्छी तरह से धोकर वॉश करना है और अच्छी तरह से इसको सुखा लेना है। और जब केरी सूख जाएगी तो हमें इसको कट करना है। सारी डंडियां मैंने हटा ली है। इस तरह हमको गोंदे रखने हैं। इसकी जो केप है ये नहीं हटानी है। अब सभी को हम अच्छी तरह से पानी से 2 से 3 बार वॉश करेंगे। गैस पे हमें एक बर्तन रखना है और आधे से कम उसको हमें पानी से भरना है। गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे और पानी को अच्छा बॉइल होने देंगे। पानी हमारा बॉइल हो गया है तो इसमें हमें धुले हुए गोंदे जो है ऐड करना है। जो गोंदे हमने धोए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम डाल देते हैं, गैस की फ्लेम को हम फुल ही रख देंगे। इस तरह हम डालेंगे क्योंकि पानी बहुत गर्म है। और फुल फ्लेम पे ही हमें इनको पकाना है। अभी जब तक बॉईल नहीं आ जाता तब तक गैस की फ्लेम को हम फुल ही रखेंगे। एक बार अच्छी तरह हम इनको हिला देते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें हम नमक भी डाल देंगे। और एक बार अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी जो अच्छा उकलने लग गया है तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं और कम फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा नहीं पकाने हैं, कम ही पकाने हैं। तो बस गोंदे हमारे पक चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं। हमें इस तरह चेक करना है कि हमारा जो नाखून है ना वो इसमें घुस जाए। ये देखिए अच्छे से जा रहा है। तो गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और गोंदे जो है अब हम निकाल लेंगे। इनका सारा पानी हमें निकालना है। गोंदे जो हमने उबाले थे ना उसका देखिए सारा पानी हमने निकाल लिया है। और इसको अब हमें सुखाना है, यानी कि गोंदे नहीं सुखाने हैं, इसका पानी सुखाना है हमें। तो अब इनको हम एक अखबार पे या किसी कॉटन कपड़े पे फैलाकर हम इनको रख देते हैं। 2 घंटे तक हम इनको रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से जो है पानी इनका सूख जाए। अचार बनाते समय सबसे मेन बात हमें यही ध्यान रखनी है कि बिल्कुल पानी का रेशा इसमें नहीं रहना चाहिए। जरा सा भी पानी रह गया तो अचार जो है हमारा खराब हो सकता है। तो अच्छी तरह से हम इनको सुखाएंगे। जब गोंदे में से पानी अच्छी तरह सूख जाएगा तभी हम इनका अचार बनाएंगे। और जब गोंदे सूखेंगे तो बीच में हम 1-2 बार अलट पलट भी कर लेंगे। गोंदे जब तक सूखते हैं तब तक हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम सौंफ ली है, ये हरी सौंफ है, इसको हमें सेकना है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से देखें। इसको हमें 10 से 20 सेकेंड के लिए सेकना है ताकि इसमें जो नमी है वो हट जाए। सेकने से जो है सौंफ की खुशबू भी अच्छी आती है। सौंफ सीख चुकी है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। सौंफ को हम ठंडी होने देंगे। जब सौंफ ठंडी हो जाएगी तो इसे हमें मिक्सी में अतकचरा करना है, ज्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो अब मैंने यहाँ पर उसी तेल में दाना मेथी ली है। दाना मेथी को भी हमें इसी तरह ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हमें 50 ग्राम दाना मेथी लेनी है। 10 से 20 सेकंड के लिए उसे भी हम इसी तरह चलाएंगे। दाना मेथी भी जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। दाना मेथी को भी हम ठंडा होने देंगे। जब दाना मेथी ठंडी हो जाएगी ना तो इसे भी हमें मिक्सी में अतकचरा करना है। अब उसी पैन में मैंने नमक लिया है। नमक हम स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अचार में जो है नमक थोड़ा ज्यादा हो तो अचार जो है हमारा खराब नहीं होता है। तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी। पहले उसे भी हम सेक लेते हैं क्योंकि नमक जो है पानी छोड़ता है, इसलिए हमें इसको सेकना बहुत जरूरी है।
नमक आप थोड़ा ज्यादा सेक के रख लें, यदि कम ज्यादा हो तो ये सेका हुआ नमक ही डालें। ये कुछ खास बातें हैं जिससे कि हमारा जो अचार है वो खराब नहीं होगा। बीच बीच में मैं आपको और भी बताती रहूंगी अचार को सेफ रखने के लिए हमें और क्या करना है। नमक भी सिक चुका है, गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं और ठंडा होने देंगे। गैस पे मैंने तेल चढ़ाया है, तेल मैंने यहाँ पर खाने का जो तेल होता है ना मूंगफली का वो मैंने लिया है, तो 350 ml मैंने यहाँ पर तेल लिया है। आप चाहे तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तेल को हमें फुल फ्लेम पर अच्छा गर्म होने देना है। जब तेल अच्छा गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे। तो तेल जो है हमारा अच्छा गर्म हो गया है और तेल को मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें हम 2 tablespoon जो है ये हरी सौंफ ये हम डाल देते हैं और 1 tablespoon हम इसमें डालेंगे कलौंजी यानी कि काला जीरा, ये भी हम इसमें डाल देंगे। 1/2 teaspoon मैं इसमें डालूंगी हींग, इससे खुशबू अच्छी आती है अचार में। अब इसी तेल में हम डाल देंगे केरी, केरी को हमने कट कर लिया है तो केरी हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही ध्यान से करना है, अभी तेल जो है हमारा गर्म ही है तो सभी को इसमें हम डाल देते हैं। अब जो हमने गोंदे जो बॉईल किए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये केप मैंने इसकी हटाई नहीं है, आप चाहे तो हटा भी सकते हैं। तो बड़े ध्यान से हमें इसको डालना है धीरे धीरे करके। ये थोड़े मैंने गरम तेल में डाले हैं क्योंकि यदि इसमें पानी का यदि कोई रेशा रह भी जाएगा ना तो वो हट जाएगा। हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें डालनी है दाना मेथी। ये देखिए दाना मेथी को भी मैंने अधकचरा कर लिया था तो ये सारे हम इसमें ऐड करेंगे। एक बार इसको भी हम हिला लेंगे। ये जो हमने हरी सौंफ को अधकचरा किया है ये भी हम इसमें डाल देते हैं, इससे मसाला जो है ना अच्छा बनता है। 1/2 cup मैंने यहाँ पर ये राई की दाल ली है, ये भी हम इसमें डालेंगे। आप चाहे तो इसको नहीं भी डालें। 1/2 teaspoon मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। जब हमने गोंदे बॉईल किए थे तब भी हमने इसमें डाला था इसलिए मैंने इस बार कम ही डाला है। और थोड़ी सी हम ये डालेंगे साबुत दाना मेथी, उसी में से मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी। अब एक बार हम सभी को मिक्स कर लेते हैं। अभी हमें मिर्च और नमक डालना बाकी है, वो हमने भी नहीं डाला है। पहले हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। जब हमने गोंदे को बॉईल किया था तब भी हमने नमक डाला था तो अभी हमें इसमें कम ही डालना है। तो 1 और 1/2 tablespoon मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब जो है हमारा तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, 5 से 10 मिनट के बाद ही हमें इसमें लाल मिर्च ऐड करनी है। तो मैं इसमें 5 tablespoon लाल मिर्च ऐड करूंगी। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अचार में लाल मिर्च ज्यादा हो तब भी अचार टेस्टी लगता है। सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है हमारा अचार बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं अचार हमारा ठंडा हो गया है, कितना अच्छा और टेस्टी अचार हमारा बनकर तैयार हुआ है। जब अचार पूरा अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हमें इसको ढकना है और 3 से 4 दिन तक हमें इसको इसी तरह रखे रखना है। अचार खराब न हो इसके लिए हमें अचार को तेल में डुबो कर रखना है, इस बात का खास ध्यान रखें। जब 3 से 4 दिन हो जाएंगे तो अचार जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा, खाने लायक हो जाएगा। उस समय हमें इसको बर्नी में भरकर रखना है। तो आप जिस भी बर्नी में भरे वो अच्छे से धोकर साफ करके उसको धूप में सुखाना है, बिल्कुल भी उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। और अचार उसमें डालकर उसको अच्छी तरह से हमें पैक करना है। मैंने गोंदे के अचार में केरी डाली है इसलिए हमने यहाँ पर खटाई नहीं डाली है, क्योंकि केरी से जो है अपने आप ही अचार खट्टा हो जाता है। यदि आप केरी नहीं डालना चाहते हैं, केवल गोंदे का ही बनाना चाहते हैं तो आप इसमें अमचूर पाउडर डाल दीजिए 2 tablespoon। जब मसाला ऐड करेंगे तभी इसमें 2 tablespoon अमचूर पाउडर डालेंगे तो अच्छी खटाई आ जाएगी, अचार भी जो है अच्छा लगेगा। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई जिससे कि अचार जो है हमारा खराब नहीं हो। यदि कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में
लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। और आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और बताइए कि आपका जो अचार है वो कैसे बना है। इसके अलावा आप और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे बताइए। केरे का अचार जो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, केरे का अचार भी मैंने पहले ही डाल दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। ये अचार जो है हमारा साल भर तक खराब नहीं होगा, जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं यदि आप उनका फॉलो करेंगे तब। जब भी हमें अचार खाना हो तो थोड़ा सा हम एक छोटी सी बर्नी में निकाल लें ताकि जो है पीछे का जो अचार है वो हमारा खराब नहीं हो, वो सेफ रहे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक तो बनता ही है, साथ ही साथ यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे वीडियो को कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।